बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने रजिस्टर्स की डिटेल्स देखी थी जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों दरअसल इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसी तरीके से डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं जो कि सीपीयू की कैपेसिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम मेमोरी को भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि मेमोरी के अलावा भी कौन कौन सी मेमोरीज कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती हैं जो कि सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं या फिर सीपीयू की प्रोसेसिंग को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये दो चीजें देखी थी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर बसेस क्यों यूज की जाती हैं। तो फ्रेंड्स आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स जैसे कि मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह को डिटेल में पढ़ा है। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में तमाम डाटा मौजूद है, तमाम डाटा पड़ा हुआ है और सीपीयू को वो डाटा चाहिए, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, कोई तार होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, तभी तो डाटा मेमोरी से सीपीयू के पास आएगा। इसी तरह सीपीयू ने प्रोसेसिंग कर ली, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, रिजल्ट निकाल लिया। अब उस रिजल्ट को मॉनिटर की स्क्रीन पर शो करवाना है, तो उसके लिए भी इसी तरह का कोई कनेक्शन इन डिवाइसेस के दरमियान होना चाहिए जिनके जरिए रिजल्ट को मॉनिटर की स्क्रीन के पास भेजा जा सके। तो इन शॉर्ट कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए कनेक्शंस बनाने की जरूरत होती है, ताकि उन कनेक्शंस के जरिए तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। और यहाँ कम्युनिकेशन के मानी है डेटा, यानी डेटा को एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सके। इसके लिए जो कनेक्शंस बनाए जाते हैं वो कहलाती हैं बसेस। दोस्तों जिस तरह आम बसेस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, ताकि एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से कनेक्ट हो सके, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। यानी कंप्यूटर बस भी कुछ नहीं होती, ये बस रास्ता फराहम करती है ताकि दो या फिर दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सके, ताकि ये तमाम डिवाइसेस डेटा को एक दूसरे को भेज सके। और ये बसेस होती किस तरह की हैं? दोस्तों दीज आर पैरेलल लाइंस कॉल्ड वायर्स व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट कंपोनेंट्स। यानी इसमें हमें ये पता लगा कि ये बसेस दरअसल वायर्स होती हैं जिनमें बिट्स की शक्ल में, यानी वन और जीरोस की शक्ल में डेटा ट्रेवल करता है। अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है पैरेलल लाइंस। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू से मेमोरी के पास 1 byte का डाटा, सीपीयू मेमोरी के पास 1 byte का डाटा भेज रहा है, और आप जानते हैं कि 1 byte means 8 bits। तो तमाम डाटा सिर्फ एक वायर के जरिए नहीं जाएगा, बल्कि उस 1 byte के डाटा को मल्टीपल वायर्स के जरिए भेजा जाएगा। अब अगर यहाँ पर 8 wires मौजूद है, यानी 8 lines मौजूद है, और अगर एक वायर पर 1 bit का डाटा भेजेंगे तो एक साथ मेमोरी के पास 8 bits का डाटा पहुंच जाएगा। इस तरह क्योंकि तमाम लाइंस एक साथ डाटा को भेज रही हैं, तो ये कहलाएगा पैरेलल लाइंस। और ये तमाम पैरेलल लाइंस को अगर हम एक यूनिट का नाम दें तो वो यूनिट कहलाता है बस। अब दोस्तों कंप्यूटर में आप सब जानते हैं कि मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई, एक्सपेंशन कार्ड्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह। तो जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे और वो आपस में डाटा को बसेस के जरिए भेजेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस का काम होता है एक कंपोनेंट से डाटा को लेना और फिर कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट को देना। अब वो आपस में डाटा को बस के जरिए भेजना चाहेंगे तो इसकी वजह से बस पर लोड बढ़ जाएगा। यानी अगर तमाम कंपोनेंट्स एक साथ बसेस के ऊपर डाटा भेजेंगे तो जाहिर है कि बस के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। इसीलिए एक खास बस यूज की जाती है जो कि कंप्यूटर के कुछ मेन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ती है, और वो खास बस कहलाती है सिस्टम बस।
और ये देखिए द सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी सिस्टम बस इस तरह की बस होती है जो कि कंप्यूटर के मेजर कॉम्पोनेंट्स को आपस में जोड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेजर कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं, वो है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और सिस्टम बस की भी तीन टाइप्स हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब ये जो तीन बसेस बनाई जाती हैं, ये किन बेसिस पर बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं कि ये बस आखिर कैरी क्या कर रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एड्रेस बस क्या कैरी करती है। एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करती है, यानी अपने ऊपर एड्रेस को लेकर जाती है। डेटा बस कंप्यूटर में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। और कंट्रोल बस कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को लेकर जाती है। अब आइए इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है एड्रेस बस। दोस्तों, जिस तरह डेटा को होल्ड करने के लिए अलग रजिस्टर्स यूज होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेटा को अलग रजिस्टर्स होल्ड करते हैं, एड्रेस को होल्ड करने के लिए अलग रजिस्टर्स यूज होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एड्रेसेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो बस यूज होती है वो कहलाती है एड्रेस बस। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि ये सीपीयू है और ये है मेमोरी। अब आप सब जानते हैं कि मेमोरी में तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट करना चाहता है, और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस किसी न किसी एड्रेस पर मौजूद होती हैं। और अगर सीपीयू मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन निकालना चाहता है तो सीपीयू को पहले मेमोरी को बताना पड़ेगा कि उसे कौन सी लोकेशन या फिर कौन से एड्रेस पर मौजूद इंस्ट्रक्शन चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू को I3 इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो सीपीयू पहले मेमोरी को उसका एड्रेस बताएगा, तभी तो मेमोरी उसको वो I3 इंस्ट्रक्शन निकाल कर देगी। तो दोस्तों, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को, उन तमाम एड्रेसेस को कौन सी बस सीपीयू से मेमोरी के पास लेकर जाएगी? वो लेकर जाएगी आपके कंप्यूटर की एड्रेस बस। इसका एक और पॉइंट देखिए, इट इज यूनिडायरेक्शनल। दोस्तों, यूनिडायरेक्शनल मींस ये सिर्फ एड्रेस को लेकर जा सकती है, लेकर वापस नहीं आ सकती। अगर सीपीयू मेमोरी के पास एड्रेस बस के जरिए एड्रेस भेज रहा है और उसी एड्रेस बस पर मेमोरी भी कोई एड्रेस भेजना चाहती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, जितने भी एड्रेसेस जनरेट करता है वो सीपीयू ही करता है। तो ये आमतौर पर सीपीयू से मेमोरी तक एड्रेस को लेकर जाएगी या फिर सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास एड्रेस को लेकर जाएगी, यानी ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। अब आप इस तस्वीर के अंदर देखिए होता क्या है। सबसे पहले सीपीयू इस बस के थ्रू, जो कि है एड्रेस बस, जो कि यूनिडायरेक्शनल है, और आपको इसके एरो से भी पता लग रहा होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ है, यानी इस तरीके से और इस तरीके पर। ये और डिवाइसेस की तरह, और बसेस की तरह दोनों डायरेक्शन में एरो नहीं बने हुए, एक डायरेक्शन में बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ये यूनिडायरेक्शनल है। अब होता क्या है, सीपीयू सबसे पहले जो डाटा उसको मेमोरी से चाहिए होता है, वो डाटा को, उस डाटा का एड्रेस इस एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी के पास भेजेगा। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अगर सीपीयू को कोई डाटा चाहिए, तो सबसे पहले इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताना पड़ेगा कि वो डाटा कौन से एड्रेस पर मौजूद है, तो वो एड्रेस सीपीयू भेजेगा इस एड्रेस बस के थ्रू। तो दोस्तों, ये थी एड्रेस बस, जो कि एड्रेसेस को लेकर जाती है। इसके बाद जो दूसरी बस है वो है डाटा बस। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाटा बस क्या चीज कैरी करती है, ये कैरी करती है डाटा को। अब फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू ने मेमोरी को एड्रेस भेज दिया कि मुझे फला लोकेशन पर मौजूद डाटा चाहिए, तो वो एड्रेस भेजा सीपीयू ने एड्रेस बस के थ्रू। और अब जब मेमोरी उस लोकेशन पर मौजूद डाटा को सीपीयू को देगी, तो वो डाटा जाएगा इस डाटा बस के ऊपर। इसी तरह सीपीयू ने डाटा को प्रोसेस कर लिया और अब उसका रिजल्ट, और उसका रिजल्ट भी क्या है, वो एक डाटा है, तो सीपीयू को वो रिजल्ट मॉनिटर को भेजना है, तो वो भी सीपीयू भेजेगा इस डाटा बस के ऊपर ही। यानी जितना भी डाटा कंप्यूटर में एक जगह से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव होगा, वो डाटा बस के जरिए ही जाएगा। अब इसका पॉइंट देखिए, इट इज बाय डायरेक्शनल, यानी सीपीयू तो आईओ डिवाइसेस जैसे के मॉनिटर को डाटा भेज रहा है, तो वो भी डाटा बस के ऊपर ही डाटा को भेजेगा। इसी तरह अगर आईओ डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल
कीबोर्ड सीपीयू को डाटा देना चाहती हैं, तो वो भी इसी डाटा बस के ऊपर ही डाटा जाएगा। यानी ये बाई डायरेक्शनल है, इसके अंदर डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। अगर हम इस तस्वीर के अंदर देखें तो ये जो बस है ये कहलाती है डाटा बस। अब सीपीयू को मेमोरी को कोई मेमोरी को डाटा देना है तो सीपीयू क्या करेगा, इस डाटा बस के ऊपर वो डाटा डालेगा। डाटा बस ये डाटा लेकर जाएगी और किसको देगी, आपकी मेमोरी को देगी। इसी तरह अगर सीपीयू को मॉनिटर को, यानी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर को कोई डाटा देना है तो वो डाटा भी किस पर जाएगा, इस डाटा बस के ऊपर, किसके थ्रू, डाटा बस के थ्रू। और दोस्तों इसी तरीके से जिस तरह सीपीयू को मेमोरी से डाटा चाहिए होता है, तो मेमोरी को अगर सीपीयू को डाटा देना है तो मेमोरी भी इसी डाटा बस के थ्रू, यानी इस डाटा बस के थ्रू डाटा को इस बस पे डालेगी और सीपीयू को दे देगी। यानी इसके ये डाटा को लेकर भी जा सकती है और वापस लेकर भी आ सकती है, इसीलिए वी कैन से कि इट इज बाय डायरेक्शन। और दोस्तों इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाटा बस डाटा को लेकर जाती है, तो कितना डाटा डाटा बस एक वक्त में लेकर जाएगी ये डिसाइड करेगा आपका सिस्टम। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम 16 बिट का है तो डाटा बस भी 16 बिट की ही होगी, यानी उसके अंदर 16 लाइंस मौजूद होंगी और उन 16 लाइंस पर वो 16 बिट्स के डाटा को लेकर जाएगी। इसी तरह अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम 32 बिट का है तो आपकी डाटा बस की लेंथ भी, डाटा बस की विड्थ भी 32 बिट ही होगी, यानी वो एक वक्त में 32 बिट के डाटा को सीपीयू से मेमोरी या फिर सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू और मेमोरी से सीपीयू लेकर जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट बस है वो है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स और कमांड्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू एन अदर। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी को कोई पार्सल भेजना चाहते हैं तो पहले आप उसको फोन करके पूछते हैं कि आया आप घर पर मौजूद हैं भी या नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप एक कंट्रोल सिग्नल सेंड करते हैं। इसी तरह जब सीपीयू को मेमोरी में कोई डाटा डालना होता है, यानी डाटा को राइट करना होता है, तो वो पहले एक राइट का सिग्नल सेंड करेगा कि क्या मेमोरी में जगह है भी या नहीं, मैं अपना डाटा भेजना चाहता हूँ। तो मेमोरी अगर सीपीयू को रिटर्न में ACK यानी एक एक्नॉलेज का सिग्नल भेजेगा जो कि सीपीयू को बताएगा कि आप अब डाटा को भेज सकते हैं, तो ये राइट और एक्नॉलेज दोनों कौन से सिग्नल्स हैं, ये हैं कंट्रोल सिग्नल। इसी तरह अगर एक प्रिंटर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर कोई करेक्टर प्रिंट कर रहा है सीपीयू से लेकर, और क्योंकि सीपीयू की स्पीड फास्ट है और प्रिंटर की स्लो, तो कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है जो कि सीपीयू को बताता है कि अब प्रिंटर ने एक करेक्टर प्रिंट कर दिया है, अब आप नेक्स्ट करेक्टर प्रिंटर को सेंड कर दे। इस तरह सीपीयू अपना काम करता रहता है और जैसे ही कंट्रोल सिग्नल उसको मिलता है वो प्रिंटर को करेक्टर सेंड करता है और दोबारा से जो काम सीपीयू कर रहा था उसको कंटिन्यू कर लेता है। यानी इस कंट्रोल सिग्नल की बदौलत सीपीयू एक वक्त में मल्टीपल काम कर लेता है। अब बात ये आती है कि मैंने आपको ये कंट्रोल सिग्नल के बारे में क्यों बताया, क्योंकि इन तमाम कंट्रोल सिग्नल्स को सीपीयू से मेमोरी के पास या सीपीयू से प्रिंटर के पास या आईओ डिवाइसेस के पास, इस तरह आईओ डिवाइसेस के पास से सीपीयू के पास कौन सी बस लेकर जाती है, वो लेकर जाती है आपकी कंट्रोल बस। और इन्हीं कंट्रोल सिग्नल्स को कमांड भी कहा जाता है। आइए कुछ कमांड्स को देखते हैं। सबसे पहली कमांड है मेमोरी रीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी में से डाटा को फेच करने से पहले सीपीयू एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, वो कंट्रोल सिग्नल कहलाता है मेमोरी रीड। इसी तरह मेमोरी में डाटा को डालने के लिए भी सीपीयू एक कंट्रोल सिग्नल यूज करता है, जो कि सीपीयू जनरेट करता है वो कहलाता है मेमोरी राइट। ये तो हो गई मेमोरी की बात। अगर सीपीयू को इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड से कोई डाटा चाहिए तो सीपीयू एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है जो कहलाता है आईओ रीड सिग्नल। इसी तरीके से अगर मॉनिटर पर कोई डाटा सीपीयू को शो करवाना चाहता है तो उसके लिए भी एक सिग्नल जनरेट करता है जो कहलाता है आईओ राइट। इसी तरह मल्टीपल कमांड्स, जैसे कि अगर मेमोरी के पास डाटा पहुंच गया या फिर आईओ डिवाइसेस के पास, तो वो सीपीयू को एक कंट्रोल सिग्नल भेजेंगी जिसका नाम है ACK
एक्नॉलेज सिग्नल जो कि बताएगा कि आपका डाटा मेरे पास पहुंच गया है, अब आप नेक्स्ट डाटा सेंड कर सकते हैं। यानी बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि इस कंट्रोल बस के थ्रू सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में सेंड और रिसीव करती है। इसी तरह बसेस क्योंकि एक है, फॉर एग्जाम्पल डाटा बस जो कि सिर्फ एक बस है और कीबोर्ड भी उस पर डाटा डालना चाहता है और सीपीयू भी, तो सबसे पहले ये डिवाइसेस एक कंट्रोल सिग्नल भेजेंगी जिसका नाम है बस रिक्वेस्ट, जो कि ये बताएगा, जो कि ये पूछेगा कि क्या मैं बस को एक्सेस कर सकता हूँ अगर ये खाली है तो। यानी इस तरह के तमाम कंट्रोल सिग्नल्स तमाम डिवाइसेस डाटा को सेंड करने से पहले या फिर रिसीव करने से पहले या रिसीव करने के बाद सेंड करती हैं, और ये तमाम सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, ये तमाम कंट्रोल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं आपकी कंट्रोल बस के ऊपर। दोस्तों अगर आप इन तमाम बसेस को एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, क्योंकि ये कोई हार्ड इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप इसको एक एग्जाम्पल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी के घर कोई पार्सल भेजना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आया आप घर पर मौजूद है। तो ये क्या चीज हुआ, ये आपने एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया, और याद रखिए कंट्रोल सिग्नल किस पर जाएंगे, कंट्रोल बस के ऊपर। उसके बाद जब वो बोलता है हाँ, तो फिर उसने भी आपको एक कंट्रोल सिग्नल भेजा। अब आप इससे ये बात याद रखिएगा कि आपने भी उसको एक कंट्रोल सिग्नल भेजा और उसने भी आपको भेजा, इसका मतलब है कि आपकी कंट्रोल बस एक बाय डायरेक्शनल बस है जिस पर से डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। जैसे कि ये दोनों एरोज आप देख सकते हैं, तो ये क्या बता रहे हैं कि कंट्रोल बस हमारी बाय डायरेक्शनल बस है। अब आपने उससे पूछ लिया कि आप घर पर मौजूद हैं, उसके बाद आप सेकेंड काम क्या करते हैं, आप उससे पूछते हैं उसका एड्रेस। तो बिल्कुल ऐसे ही सीपीयू भी मेमोरी को बताता है एड्रेस, जिस एड्रेस से सीपीयू को डाटा चाहिए होता है, और वो एड्रेस किस पर जाएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, एड्रेस जाएगा एड्रेस बस के ऊपर। अब आप समझ गए हैं कि कंट्रोल बस के ऊपर कंट्रोल जाएगा, एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस जाएगा। अब तीसरा काम, जब आपको भी एड्रेस पता लग जाता है तो आप क्या करते हैं, उस एड्रेस पर वो पार्सल भेजते हैं, यानी वो डाटा भेजते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सीपीयू को भी जब एड्रेस पता लग जाता है या फिर मेमोरी को भी एड्रेस पता लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो उस एड्रेस पर मौजूद डाटा को भेजते हैं, किसके ऊपर, उस डाटा बस के ऊपर। यानी सीपीयू मेमोरी के पास डाटा भेज सकता है और मेमोरी सीपीयू के पास, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, ये हो गई बाय डायरेक्शन। तो दोस्तों ये था एक पूरा सिनेरियो सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेट करने का, किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, वो बसेस के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, जिसके अंदर एड्रेसेस को भेजा जाता है एड्रेस बस के ऊपर, डाटा को भेजा जाता है डाटा बस के ऊपर, और कंट्रोल सिग्नल्स को भेजा जाता है कंट्रोल बस के ऊपर। तो दोस्तों ये तमाम थी सिस्टम बस। इसके अलावा भी कंप्यूटर में एक बस और यूज की जाती है जो कहलाती है एक्सपेंशन बस, जो कि सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अलावा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में ये तीन कंपोनेंट्स नहीं होते बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि तमाम, अगर एक ही बस पर हम तमाम डाटा डाल देंगे, यानी सिस्टम बस के ऊपर तमाम लोड डाल देंगे, तो उसका काम करना मुश्किल होगा, इसीलिए सिर्फ तीन मेन कंपोनेंट्स के लिए बना दी गई है सिस्टम बस। यानी तीन मेन कंपोनेंट्स अगर आपस में डाटा को भेजना चाहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बस यूज की जाती है वो कहलाती है सिस्टम बस। लेकिन इन तीन कंपोनेंट्स के अलावा अगर और कोई कंपोनेंट्स, जैसे कि एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन कार्ड्स, पावर सप्लाई और दूसरे कंपोनेंट्स अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर इन तमाम मेन कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो किस बस के थ्रू करेंगे, वो करेंगे इस एक्सपेंशन बस के थ्रू। ये भी दरअसल बस ही है जो कि कनेक्ट होती है आपकी सिस्टम बस के थ्रू ही। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम बसेस जो कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ती हैं, ताकि वो तमाम कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव कर सके। अब आप समझ गए होंगे कि बसेस कुछ नहीं है, सिर्फ ये कनेक्शन है जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तमाम कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के जोड़ती है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि इनपुट डिवाइसेस डाटा को सेंड करती हैं सीपीयू को, मेमोरी को, आईओ को, लेकिन अगले लेक्चर में हम इसकी इंटरनल वर्किंग की डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।